या वेरी नाइस कसाब कसाब है नाना पाटेकर इट्स गुड मूवी नाना पाटेकर इट्स क्लोज टू रियलिटी व्हाट वी हैव रेड इन द न्यूज गुड गुड नाइस मूवी रियल स्टोरी है नॉट मोर नथिंग लेस इट्स अ गुड मूवी देयर इज नो सच परफॉर्मेंस एवरीवन इज अ गुड एक्टर नाना पाटेकर वेरी नाइस गुड गुड अच्छा सही दिखाया है नाना पाटेकर का अच्छा अच्छी थी ठीक ठाक है राम गोपाल वर्मा जी का जो डायरेक्शन है और जो उनका काम करने के लिए जाने जाते हैं इसमें बहुत अच्छा और इसलिए तो वो जाने जाते हैं कंपनी सत्या ये इसलिए उन्होंने अपना काम बेखूबी निभाया खास करके इसमें नाना पाटेकर साहब ने बहुत अच्छा काम किया बहुत अच्छी फिल्म है रियलिटी के साथ शूट की है वास्तविकता के साथ नाना पाटेकर का रोल बहुत अच्छा है अजमल कसाब का रोल अच्छा है और काफी अच्छी मूवी है पूरी मुंबई वासियों ने देखनी चाहिए फैंटास्टिक मूवी इज वेरी गुड क्लाइमैक्स भी बहुत अच्छा था जो स्टोरी लाइन डिपिक्ट किया लोगों ने बहुत ही अच्छा किया रियलिटी से ही जुड़ी हुई है कुछ भी इमेजिनरी नहीं है नाना पाटेकर ऑफ कोर्स माइंड ब्लोइंग है उनके एक्टिंग के बारे में कुछ कहना जरूरी नहीं कसाब का भी जो जिन्होंने प्ले किया है बहुत ही अच्छा किया उन्होंने या इट वाज अ गुड मूवी इट्स गुड इट्स प्रीटी रियलिस्टिक एंड राम गोपाल वर्मा डन अ गुड जॉब परफॉर्मेंस नाना पाटेकर इज वेरी गुड एंड द एक्टर प्लेइंग अजमल कसाब इज ऑल्सो ही इज अ न्यू एक्टर आई थिंक इज गुड फिल्म अच्छी लगी ठीक है लेकिन फिल्म को डायरेक्टर ने अधूरी छोड़ दिया है फिल्म को पूरी नहीं किया और मेन पॉइंट जो रियल दिखाना चाहिए था जो हेलीकॉप्टर का जो शॉट रियल किया गया था वहाँ पे जो किया उन लोग ने अटैक दिल्ली फोर्स ने वो चीज़ डायरेक्टर ने नहीं डाला इसलिए फिल्म को मैं अधूरी बोल रहा हूँ नाना पाटेकर की बातें भी अच्छी लगी हमको मगर नाना पाटेकर ने अच्छा समझाया कि वो बाद में जो अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा और उन्होंने बुरा किया तो बुरा मिला लास्ट में ये देखा क्योंकि टोटल फोकस नाना पाटेकर साहब के ऊपर रहा और उसने उनको करने का मौका ही नहीं मिला माइंड ब्लोइंग फिल्म रामू जी का कमबैक है वेरी गुड मूवी एक्सीलेंट देखने में तो मजा आया मगर हम लोग को ऐसा लगा कि आधा देखा है फिल्म अच्छी बनाया है और जो भी धार्मिक चीज दिखाया सही दिखाया है अच्छा लगा और दूसरी ये सलाह देता हूँ कि जो लोग धर्म के या कोई चीज़ के खिलाफ बोलता है मैं भी मुस्लिम हूँ लेकिन कोई किताब में ये नहीं लिखा कि बेकसूर लोगों को मारा जाए अगर जो कोई ये कदम ऐसा उठाता है तो उसको बेधड़क होकर मारना चाहिए हिंदू हो या मुसलमान हो कोई भी अगर गलत काम करेगा कोई धर्म के बात काम करे तो मैं यही सलाह देता हूँ कि जो सलूक उनके साथ में किया गया है और भी दोबारा अगर ऐसे कदम कोई उठाए तो यही हाल उनका होना चाहिए यहाँ तक पब्लिक को पता है कि जिस तरह से इंसिडेंट हुआ था रियल में पूरी कंप्लीट लगी जो जो हुआ था सब कुछ इन लोगों ने दिखाया बहुत ही अच्छे तरह से स्टोरी को डिपिक्ट किया बहुत मजा नाना पाटेकर जी उसको चाय फेंक के जब वो कसाब ने गाली दिया था वो टाइम पे कुछ नहीं बोले लेकिन इंटरवल के बाद में जब चाय मंगाते हैं चाय फेंक के चाय पीते नहीं है और उसको वही बात को रिपीट करके वापस गाली देते हैं वो डायलॉग मुझे सबसे बेस्ट लगा बोले तुमको गाजर का हलवा बांध के भेज दिया गया जाओ इंडिया में तुम ऐसा करो इसके लिए उसका कैसा हल किया वो देखा कसाब ने ये डायलॉग मुझे सबसे बेस्ट पसंद आया पांच में से दो दे सकते थ्री में फोर स्टार फोर फोर ऑफ फाइव फाइव में से थ्री फाइव में से फोर स्टार